हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 गोल्डन सीरीज का पार्ट 35। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको लगाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इन सभी के आंसर आप अपनी नोटबुक पर लिखते जाइए। इन सभी के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो से बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो पॉज कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 186। देखिए रूल नंबर 186 क्या है। दिशाओं के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आप हमेशा याद रखना, दिशाओं के नाम से पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो आप हमेशा याद रखना, दिशाओं के नाम से पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। इसमें आगे कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है वेस्ट बंगाल, अब यहाँ वेस्ट नहीं है, वेस्ट के साथ एक प्लेस जोड़ दिया गया है बंगाल, तो हम वेस्ट से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका केवल केवल वेस्ट होता तो हम इससे पहले द लगा देते, बट यहाँ वेस्ट के साथ बंगाल लगा के दिया है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, अगर ये अकेले आए तो हम द का यूज़ करेंगे। यदि इसके साथ कोई प्लेस जोड़ दिया जाता है तो हम इससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसी में आगे एक और कॉन्सेप्ट और है, आप उसको देखिए। इसी तरह नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व आर्टिकल नहीं आता, जैसे वेस्टर्न इंडिया। तो आप हमेशा याद रखना, नॉर्थन हो गया, साउथन हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये भी केवल केवल अकेले आते हैं, यानी इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, कब हमें द का यूज़ करना है और कब हमें द का यूज़ नहीं करना। अगर दिशा की बात होगी केवल और केवल तो हम द का यूज़ करेंगे। अगर ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ कोई प्लेस जोड़ दिया जाता है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, और नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कस करें आगे इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन आपके टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है आपका कंप्लीट इन्वर्जन। तो आप हमेशा याद रखना, जो इन्वर्जन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। पार्शियल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आप हमेशा याद रखना। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, या फिर तो आपका बनेगा मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या आपका बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। देखिए अवे हो गया, हेयर हो गया, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, इनडोर्स, आउटडोर्स, ये क्या है सब एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये सभी किस में आते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन में आते हैं। यानी जब हम इनका इन्वर्जन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। डिस्कस करें आगे, एग्जाम्पल आपके सामने है अवे, वेंट, रश्मि। अब देखिए अवे कौन सा इन्वर्जन बनाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, यानी मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हमने यही लिखा है, अवे मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर अवे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। देखिए नेवर आपका पार्शियल इन्वर्जन बनाता है। कैसा बनाता है? पार्शियल इन्वर्जन, यानी पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इन्वर्जन को डिस्कस करें आगे। 188 क्या है आप देखिए, सो एज, देखिए सो एज का आपका पेयर बनता है और सो एज के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि आपका सो दैट का पेयर चलता है तो सो दैट के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना सो एज के बाद इन्फिनेटिव और सो दैट के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसी में आगे एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। क्या? प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के बाद सब्जेक्ट आएगा, बट हम सब्जेक्ट के बाद कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखना प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग के साथ हम हमेशा सब्जेक्ट का तो यूज़ करेंगे उसके बाद, बट हम प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दे रखा होगा तो हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप इन सभी को देख लीजिए कब हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है और कब हमें नहीं करना, डिस्कस करें आगे। देखिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट, क्या होता है? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट, इनके बाद हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे और हम प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग के साथ कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया, ऑन द कंडीशन दैट हो गया, इनके बाद हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, यू केम टू सो दैट यू कुड लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ यूज़ हुआ है सो दैट, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, डिस्कस करें आगे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, देखिए म्यूचुअल हम यूज़ करते हैं दो के लिए। आप हमेशा याद रखना म्यूचुअल हम यूज़ करते हैं दो के लिए और कॉमन हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। आप हमेशा याद रखना म्यूचुअल हम दो के लिए यूज़ करते हैं और कॉमन हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका फेसबुक होता है, फेसबुक जो हम सभी यूज़ करते हैं, तो जो फेसबुक पे बताता है कि हमारे 89 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, वो गलत होता है। वो 89 म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होगा, 89 कॉमन फ्रेंड होगा। तो उसमें एक मिस्टेक है, वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड बताता है जो कि गलत है। आप हमेशा याद रखना म्यूचुअल हम केवल दो के लिए यूज़ करते हैं और कॉमन हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो जो फेसबुक पे दे रखा है 100 म्यूचुअल फ्रेंड्स, 200 म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो वो गलत दे रखा है, वह म्यूचुअल नहीं होगा, कॉमन होगा। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, म्यूचुअल हम दो के लिए यूज़ करते हैं और कॉमन हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। तो भाइयों एक लाइक तो बनता है ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा इस वीडियो पर, अगर आपको आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हों। तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है, ही इज़ अवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया म्यूचुअल हम दो के लिए यूज़ करेंगे, तो हम म्यूचुअल ना करके कॉमन का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉमन हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज़ अवर कॉमन फ्रेंड, वो हमारा क्या है, कॉमन फ्रेंड है। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे म्यूचुअल और कॉमन में क्या डिफरेंस होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन इजी नहीं, बहुत इजी लग रहे होंगे ये मैं आशा करता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहाँ से द हटा देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ईस्टर्न हो गया, नॉर्थन हो गया, इनसे पहले हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था, डिस्कस करें आगे। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन इन माई लाइफ,
नो एरर, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ये सभी आपको, तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नेवर किसका काम करेगा, यहाँ पर इन्वर्जन का काम करेगा, तो हम हैव पहले लाएंगे और आई बाद में लाएंगे, क्योंकि नेवर आपका पार्शियल इन्वर्जन बनाता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो पहले आएगा हैव उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन इन माई लाइफ, तो हैव हम पहले लाएंगे आई बाद में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही लॉक द विंडो प्रोवाइडेड दैट नन कुड स्टील द ज्वेलरी, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है, वीडियो पॉज करिए और आराम से सोचिए। तो बिल्कुल सही सोचा भाई आपने, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहां से कुड हटा देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से कुड को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, देयर इज अ कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो भाई आपने बिल्कुल सही सोचा, हम यहाँ कॉमन का नहीं म्यूचुअल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया म्यूचुअल हम यूज़ करेंगे दो के लिए और कॉमन हम यूज़ करेंगे दो से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ बात हो रही है हस्बैंड और वाइफ की, जो कि क्या है, दो है, तो दो के लिए हम म्यूचुअल का यूज़ करेंगे, कॉमन का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम यहाँ से कॉमन हटा देंगे और इसकी प्लेस पर रख देंगे म्यूचुअल। क्वेश्चन नंबर फाइव है, यू वर्क हार्ड विद अ व्यू टू अचीव योर गोल, नो एरर, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है, जो मैंने आपको टॉप 200 की गोल्डन सीरीज कराई थी उनसे ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, तो हम यहाँ अचीव का नहीं अचीविंग का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, अचीविंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लुक फॉरवर्ड टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, इनके बाद हम हमेशा जीरंड का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, जीरंड का, तो हम अचीव में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यू वर्क हार्ड विद अ व्यू टू अचीविंग योर गोल, तो आप हमेशा याद रखना विद अ व्यू टू के बाद हम हमेशा जीरंड का यूज़ करेंगे। डिस्कस करें लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ही विल कम टू यू ऑन टुमारो, नो एरर, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और भाइयों आपकी दो वीडियो और आएंगी टॉप 200 गोल्डन सीरीज की और आपका गोल्डन सीरीज एंड हो जाएगा, तो आप पेशेंस रखिए, जल्दी हम कंप्लीट करा देंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा, तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, इनसे पहले हम कभी भी एट, इन, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, इनसे पहले हम कभी भी एट, इन, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, तो हम यहाँ से ऑन को हटा देंगे। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ही विल कम टू यू टुमारो, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर था। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दिल से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपना 2 मिनट कीमती समय निकाल के एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।